घर में एक अनोखा मामला देखने में आया है, जहां एक दुकान संचालक अपनी दुकान खोलने आए तो उसने अपनी शटर उठाने के बाद दीवार खड़ी दिखाई दी, जिसकी शिकायत भी अपने समाजजनों के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में करने पहुंचा, जहां से उसे सिटी कोतवाली जाने की बात कहकर रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला आखिर क्या है। जिन घर में पिछले 18 साल से यह व्यक्ति एक चाय की दुकान चला रहा था, जिस जगह यह चाय की दुकान थी वह भी अतिक्रमण में थी, जिस पर उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया और बाद में इसके मालिक ने इसे पक्की दुकान में तब्दील कर दिया। वहीं अब एक अन्य दुकान संचालक जिसने यह दुकान खरीद ली है, बिना किसी किरायेदार को बताए अंदर की तरफ की दीवार तोड़कर शटर की जगह पर दीवार बनवा दी। जब उक्त दुकानदार रोज की भांति अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने पाया कि अंदर तो दीवार खड़ी है। वहीं आज सब समाजजनों के साथ में दोबारा दुकान पर गया तो दीवार तोड़कर देखी तो जहां पाए कि बिना परमिशन के दुकान संचालक तलकर खोद रहा है, जिसका काम दोनों तरफ से शटर बंद करके किया जा रहा है। अब देखने लायक होगा कि उक्त दुकान संचालक पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। पहला तो अतिक्रमण की जगह पर दुकान बनाकर किराए पर देने का काम उक्त दुकान संचालक ने किया, वहीं दूसरा बिना इस दुकानदार को बताए उसकी दुकान की दीवार तोड़कर अंदर से कब्जा कर लिया गया, और तीसरा बिना परमिशन के बेसमेंट का काम शुरू किया गया। यह तो समय ही बताएगा कि उक्त दुकान संचालक पर प्रशासन क्या कार्रवाई कर पाता है या नहीं। किराए से दुकान दी थी आज से 18 साल पहले। किसी अग्रवाल ने वो बिल्डिंग उन्हें तो पता नहीं है किसी ने खरीदी थी। एक अग्रवाल है तो उसने रातों रात इसकी अंदर से शटर के अंदर से दीवार चढ़वा दी और उसमें वेल्डिंग करवा दी। किराए भी लेते जी, ठीक है। अब इसको अपन ने आज खोल के देखा दुकान को, मदद करेंगे थोड़ा सा, हमको भी काम करने के लिए रहेगा तो बेहतर है। दुकान कर रहा था साहब चाय की, मैं 18 साल से रेगुलर किराया भी दे रहा था उनको, और उन्होंने बगैर नोटिस दिए है ना रातों रात मेरी दुकान अंदर से तोड़ दी, चार दो को, और है ना उसमें शटर की तरफ से चुनाई करवा दी साहब, गड्ढा कर दिया और उसमें तलघर खुदवा दिया। और अब आपने दुकान जब खोली तो आपकी दुकान में दीवार खड़ी थी उसमें अंदर, आपने संपर्क करने की कोशिश नहीं करी? संपर्क किससे कर, एसपी कोतवाली गए थे साहब, आवेदन दिया था, उनने भी सुनवाई नहीं की कुछ भी। अभी एसपी साहब के पास आए क्या? एसपी साहब ने कहा कि TI साहब से बात करो, कहीं नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे पास आना। तो आपने किराए पर ली थी ना? किराए पर ली थी 18 साल पहले। रसीदें हैं मेरे पास। किस जगह पे दुकान थी आप? जीनगर यार मार्केट जीनगर लखनऊ का रहने वाला है ये। बगैर 18 वर्षों से चाय नाश्ते की होटल चलाता था सिमला होटल के पीछे सुरी प्रेस के सामने है बजरंग रोड पर। तो 4 तारीख की रात को इसको, ये सुबह 5 तारीख को 4 तारीख को पहुँचा तो पता चला, आसपास वालों ने बोला कि भाई तेरी दुकान के अंदर रात को शायद तोड़ फोड़ हो रही थी, तो उसने शटर खोली तो शटर नहीं खुली तो जानकारी ली, तो फिर उसने कोतवाली में आवेदन दिया। सारी अच्छी ऐसी बात है तो पुलिस प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, और माननीय SDM साहब के पास भी थी तो उन्होंने भी कार्रवाई करते हैं। फिर हम लोग सभी समाज के लोगों को एकत्रित किया, हमने एकत्रित करके इस गरीब को न्याय मिल सके इसलिए शटर खोल के देखी तो पता चला उसके अंदर शटर लगा करके 2-3 मजदूर अंदर ही अंदर खुदाई कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने परमिशन नगर पालिका से ली है कि नहीं ली है पता नहीं है। और इसका जो 1.5 लाख रुपए का जो बता रहे हैं सामान वगैरह था वो भी वहाँ बिल्कुल नहीं मिला। तो हम लोगों ने कहा सामान गोल है और दीवार हमने थोड़ी सी तोड़ के देखी है, देख के तो हमें ऐसा पता चला, तो हमने एक आवेदन बनवा के माननीय SP साहब को जानकारी में मिलकर बता देते हैं। क्या आश्वासन दिया अभी? अब माननीय TS बघेल सामने अधीक्षक ने बताया है कि मैं अभी जाँच करवाता हूँ, जाँच करवाने के बाद कुछ बता पाएंगे।